नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन G20 में शामिल नहीं होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक पुतिन इंडोनेशिया के बाली में 15 से 16 नवंबर को होने वाले G20 समिट में नहीं आएंगे। उनकी जगह रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव वर्चुअली शामिल होंगे। हालांकि इंडोनेशिया में रूसी एम्बेसी के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल यूलिया टाम्स्काया ने कहा, हम कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन भी वर्चुअली शामिल हो सके। पुतिन के बाली जाकर G20 में शामिल नहीं होने वाले का फैसला ऐसे समय लिया गया है जब रूसी सेना यूक्रेन के साथ हो रही जंग में पिछड़ रही है। क्रिमिनल भी पश्चिमी देशों की निंदा से बचने के रास्ते ढूंढ रहा है। दरअसल G20 में भारत, अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों के नेता शामिल होंगे। ये देश शुरुआत से ही जंग के विरोध में रहे हैं, लेकिन 9 महीने बाद भी जंग जारी है। इसे लेकर रूस की निंदा होती है। पिछले महीने खबरें थी कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की G20 समिट के दौरान एक मंच पर होंगे। पिछले महीने खबरें थी कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की G20 समिट के दौरान एक मंच पर होंगे, लेकिन कितनी सही और कितनी गलत ये खबर साबित हुई, यह हम आज पता लगा सके। पुतिन ने सेना को दिए खेरसोन से वापसी के निर्देश। 9 नवंबर को पुतिन ने यूक्रेन के खेरसोन से अपनी सेना को वापस बुला लिया। 5 दिन पहले जंग के बाद ये सबसे खतरनाक कार्यवाही करते हुए यहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया था। यहाँ लड़ाई काफी तेज थी क्योंकि ये शहर रूस के लिए बहुत मायने रखता है। दरअसल रूस ब्लैक सी बंदरगाहों पर कब्जा करना चाहता है। खेरसोन की पोर्ट रणनीतिक रूप से तो अहम है ही, साथ ही भूमध्य सागर को जोड़ने वाला व्यापारिक रास्ता भी यहीं से होकर जाता है। इसके अलावा खेरसोन एक बड़ा शिप मैन्युफैक्चरर है। यहाँ मर्चेंट शिप, टैंकर, कंटेनर शिप, आइस ब्रेकर, ऑकेट सप्लाई शिप बनाई जाती है। इस हिस्से को रूस में शामिल करके रूस अपनी समुद्री ताकत बढ़ा सकता है, लिहाजा व्यापार के लिए भी इन पर नियंत्रण जरूरी है। यहाँ से रूसी सैनिकों की वापसी रूस की हार के तौर पर देखी जा रही है। G20 समूह फोरम में 20 देश हैं। इसमें दुनिया के डेवलप और डेवलपिंग इकोनॉमी वाले देश भी हैं। 19 देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन शामिल है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर पुतिन, अभी तक की खबरों में तो यही है कि पुतिन G20 ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या उनको ऑफिशियल्स बना पाते हैं G20 में वर्चुअली शामिल होने के लिए। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिएगा वोकल न्यूज के साथ।